14 सितंबर को उसके साथ बलात्कार होता है, उसको मारा पीटा जाता है, साधारण धाराएं लगाई जाती हैं। 22 सितंबर को फिर वो उसके साथ हादसा होता है, वो रिपोर्ट करती, जब जाके बलात्कार की घटना रिपोर्ट में FIR दर्ज होती है। उसके बाद 28 सितंबर को अस्पताल सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है, 29 को उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका उसकी बॉडी हाथरस पुलिस गायब कर देती है, उसका परिवार ढूंढता रहता है और रात को 12-1 बजे करीब उसकी बॉडी लाई जाती है, परिवार पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है, उसकी माँ उसकी उसके परिवारजन आगे लेट जाते हैं, निर्ममता से उनकी पिटाई की जाती है पुलिस द्वारा। और उसके बाद रात के समय, जबकि कभी सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता, दाह संस्कार होता है और उसके परिवारजनों तक को उसकी शक्ल देखने की भी इजाजत नहीं मिल पाती। यह है उस उत्तर प्रदेश का हाल जिसका मुख्यमंत्री अपने आप को धार्मिक नेता कहता है। योगी आदित्यनाथ, जिसने गुरु गोरखनाथ के नाम को कलंकित किया है, जो गुरु गोरखनाथ जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब को, दलित को, यहां तक कि गैर हिंदुओं को उन्होंने नाथ संप्रदाय में शामिल किया था, उसको कलंकित किया योगी आदित्यनाथ ने, वो इस मठ पर बैठने लायक नहीं। उमा भारती ने भी ट्वीट कर कहा, मैं बधाई देता हूं उमा जी को, उन्होंने जिस साहस के साथ पीट नहीं किया है, काफी सख्त लहजे में बात की है। नरेंद्र मोदी जी, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हो, स्मृति ईरानी जी दुनिया भर की बात करती हो, शर्म आनी चाहिए जो तब तक पहुंचे।